नमस्कार, मैं हूं अंशिका दुबे, आप देख रहे हैं खबर फटाफट। तो चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू, सांसदों को दिलाई जा रही शपथ, पूरा संसद जय जगन्नाथ के नारों से गूंजा। बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब ने 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में लिया शपथ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। संसद में सबसे पहले पीएम मोदी ने ली सांसद पद की शपथ, लगातार तीसरी बार चुने गए सदन के नेता। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का होगा चुनाव, 3 जुलाई तक चलेगा संसद का सत्र। 18वें लोकसभा के पहले सत्र में संसद भवन पहुंचे पीएम मोदी, नवनिर्वाचित सांसदों को दी बधाई, आपातकाल को लेकर कांग्रेस को लिया आड़े हाथ। लोकसभा सत्र 2024 के पहले दिन अपने संबोधन में बोले पीएम मोदी, कहा अगर हमारे देश के नागरिकों ने लगातार तीसरी बार किसी सरकार पर भरोसा किया तो इसका मतलब है कि उन्होंने सरकार की नीतियों और नियत पर मोहर लगाई है। मैं आप सभी के समर्थन और भरोसे के लिए आभारी हूं। सरकार चलाने के लिए बहुमत जरूरी है, लेकिन देश चलाने के लिए आम सहमति जरूरी है, संसद में बोले पीएम मोदी। बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं का विरोध, प्रोटेम स्पीकर की सहायता करने वाले पैनल से इंडिया ब्लॉक के 3 सांसद हटाने का लिया फैसला। प्रोटेम स्पीकर पर चल रहे घमासान पर बोले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, कहा मैंने सभी नेताओं से मुलाकात की है, सभी इस बात पर सहमत है कि भारतीय संसद के इतिहास में प्रोटेम स्पीकर कभी मुद्दा नहीं रहा है। एनडीए सरकार ने लोकसभा की परंपरा का उल्लंघन किया है, अब तक परंपरा यह थी कि जो सांसद सबसे अधिक बार निर्वाचित होता है वही प्रोटेम स्पीकर बनता है। बिहार के पटना में कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बयान पर बीजेपी नेता अजय आलोक ने किया पलटवार, बोले उनका नाम ही केवल जयराम रमेश है, उनमें ना तो भगवान राम की मर्यादा है और ना ही ज्ञान, विपक्ष का मकसद संसद को परेशान करना। दिल्ली में चल रही जल संकट के बीच अलेखा फेज 2 और हरकेश नगर इलाके में टैंकरों के जरिए लोगों को गई पानी की आपूर्ति। दिल्ली जल मंत्री आतिशी ने वीडियो जारी कर हरियाणा सरकार पर लगाया आरोप, कहा मैं अनशन पर इसलिए बैठी हूं क्योंकि दिल्ली में पानी की बहुत कमी है, पिछले 3 हफ्तों से हरियाणा ने दिल्ली वालों को पानी देना कम कर दिया है। ओडिशा में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रेत में जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार बचाओ थीम पर बनाई कलाकृति। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने बीजेपी नेता स्मृति ईरानी की उपस्थिति में लंदन के ऑस्ट्रेलिया में इंडियन जिमखाना क्लब में मोदी 3.0 के लिए किया विजय उत्सव का आयोजन। ब्रिटेन में बीजेपी नेता स्मृति ईरानी बोली, अलग अलग संस्कृति होने के बावजूद एक ही आवाज गूंज रही है, मैं भारतीय हूँ। जमानत पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल, 2 दिन पहले निचली अदालत ने दी थी बेल, ईडी की अर्जी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। शिक्षा मंत्रालय के हाई लेवल पैनल की बैठक कल, एनटीए के कामकाज की हो सकती है समीक्षा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में अपनी लोकसभा सीट वायनाड के नाम लिखा पत्र, वायनाड सीट छोड़ने के पीछे बताई अपनी तकलीफ, साथ ही लोगों से मिले प्यार के बारे में भी किया जिक्र, अपने लिए एक अजनबी था फिर भी आपने मुझ पर विश्वास किया, धन्यवाद। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा, हमें विजय को लेकर आगे बढ़ना है, सरकार बनाने के लिए 41 सीटें चाहिए, झारखंड की जनता ने हमें 52 सीटें दी हैं, इसी विश्वास को बरकरार रखना है। झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का एक्शन मोड, सारे कांग्रेस नेता करेंगे स्ट्रैटेजी मीटिंग। यूएई दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, कई अहम मुद्दों पर हो सकते हैं समझौते। इसरो के रियूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक की तीसरी सफल लैंडिंग, पुष्पक ने तेज हवाओं के बीच एडवांस ऑटोनॉमस कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए करी सटीक लैंडिंग। तमिलनाडु में हुई जहरीली शराब त्रासदी पर बोली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कहा 200 से ज्यादा लोग अभी भी अस्पताल में गंभीर अवस्था में हैं, 56 लोगों की मौत हो गई है और उनमें से ज्यादातर अनुसूचित जाति के हैं, मैं इस घटना की निंदा करती हूं।
नीट पेपर लीक मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार। कहा एनटीए के डीजी को हटाया गया है, एक जांच कमेटी बनाई गई है, जिसने भी यह किया है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सीबीआई ने नीट यूजी परीक्षा के आयोजन में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए मामला दर्ज कर जांच की शुरू। पटना और गोधरा भेजी जा रही है सीबीआई की विशेष टीमें। पीएम नरेंद्र मोदी अगले महीने कजाकिस्तान में होने वाले एससीओ के शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। दो साल बाद पुतिन से मिलने का था मौका, इसमें जिनपिंग और शहबाज के पहुंचने की भी उम्मीद है। राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर कसा तंज, बोले बीजेपी के राज में छात्र अपने करियर के लिए पढ़ाई नहीं लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर है। देश की राजधानी में भीषण गर्मी में तप रहे लोगों को मिली राहत, राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्से में हुई झमाझम बारिश। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात, भारी बारिश से घरों और वाहनों को हुआ नुकसान। एमपी समेत 11 राज्यों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, मौसम विभाग ने अलर्ट किया जारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, रानी दुर्गावती को नमन कर पुष्पांजलि की अर्पित। विधानसभा के बजट सत्र में सीएम के विभागों के मंत्री देंगे जवाब, सीएम के विभागों के सात मंत्री कृष्णा गौर, धर्मेंद्र सिंह लोधी, गौतम जेठवाल, नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार और राधा सिंह देंगे जवाब। रायपुर में स्वास्थ्य मिशन की राशि से खरीदी गई सामग्रियों की होगी जांच, आचार संहिता के एक दिन पहले हुआ खरीदी का ऑर्डर। कई जिलों में चुनाव के दौरान भी सप्लाई की गई सामग्री, एयर कूलर, चेयर, वाटर कूलर की हुई खरीदी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का किया स्वागत, एबीवीपी प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों से की मुलाकात। डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पुराने दिनों की तस्वीर की भेंट। नक्सलवाद पर बात करते हुए अरुण साव ने कहा कांग्रेस की सरकार में नक्सलवाद को बढ़ावा दिया गया। कोरबा में मेधावी छात्रों को जेईई और नीट की कोचिंग के लिए भेजा गया, श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने दी बधाई, चयनित बच्चों का पूरा खर्चा जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने की प्रेस वार्ता, पूर्व विधायक कमलेश शाह पर बीजेपी जाने उठाए सवाल, बोले कैलाश विजय वर्गीय के दबाव में आकर बीजेपी की ज्वाइन। रायपुर में नगर निगम की एमआईसी बैठक खत्म, महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में हुई बैठक, मीटिंग में शहर के विकास से जुड़े मुद्दों पर की गई चर्चा। आगामी मध्य प्रदेश बजट सत्र की तैयारी को लेकर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का बयान आया सामने, बोले सरकार के द्वारा सभी योजनाएं निरंतर जारी रहेंगी, बजट जनता से जुड़ा और जनता के लिए होगा। गुना का दौरा करेंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, लक्ष्मीगंज से करेंगे रोड शो, जनता का करेंगे आभार व्यक्त। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ करेंगे भोजन, सीएम हाउस में 26 जून के लिए दिया गया आमंत्रण, मुख्यमंत्री साय स्वतंत्रता सेनानियों का करेंगे सम्मान। जांजगीर में नगर पालिका के गेट पर बैठे कांग्रेस विधायक व्यास कश्यप, नगर पालिका के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, नाली की सफाई नहीं होने से नाराज है कांग्रेस कार्यकर्ता। 1 जुलाई से शुरू होगा एमपी विधानसभा का सत्र, विजयपुर और बीना के बागी विधायकों के खिलाफ कांग्रेस की रणनीति, दोनों को सत्र में सदन में अपने साथ नहीं बिठाएगी कांग्रेस। अमरवाड़ा उपचुनाव पर बीजेपी का फोकस, आदिवासी मंत्रियों और नेताओं को दी जिम्मेदारी, पीएचई मंत्री संपतिया उइके को बनाया प्रभारी, 25 जून से अमरवाड़ा में शुरू होगा बीजेपी का चुनाव अभियान। जबलपुर में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने रानी दुर्गावती की समाधि पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की, पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा रानी दुर्गावती का 461वां बलिदान दिवस। पेंड्रा में छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का एक दिवसीय दौरा, बीजेपी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, पार्टी को मजबूत बनाने पर हुई बातचीत। सिवनी में गौवंश की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश, हिंदू संगठनों द्वारा छिंदवाड़ा बंद करने का आह्वान किया स्थगित। भोपाल में बागी विधायकों पर कांग्रेस का एक्शन प्लान तैयार, विधानसभा अध्यक्ष के कांग्रेस ही करेगी बागी विधायकों की शिकायत, नेता प्रतिपक्ष भेजेंगे सदस्यता निरस्त करने के पत्र।
रायपुर में हार के बाद कांग्रेस संगठन में होंगे बदलाव। महिला कांग्रेस में जल्द बदलेगा चेहरा। नए प्रदेश अध्यक्ष की संगठन को तलाश। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे पर भी गिर सकती है गाज। प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा को पंडित रूपम व्यास की चेतावनी। बोले, अपने बयानों को वापस ले, नहीं तो हम कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज करवाएंगे। शांति के टापू सांची में बदमाशों का आतंक। शराब दुकान पर एक दर्जन उपद्रवियों ने किया हमला। सेल्समैन द्वारा पैसे मांगने पर हुई मारपीट। दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई घटना कैद। पन्ना में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। विवाहित साली को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। महिला की गर्भवती होने पर फरार हो गया था आरोपी। बड़वानी में गरज चमक के साथ हुई झमाझम बारिश। नदी नाले उफान पर। पुलिया पर फंसा वाहन। ग्रामीणों की सूझबूझ से बचाई गई चार लोगों की जान। बड़ा हादसा होने से टला। डिंडोरी में लगातार प्राकृतिक आपदा का कहर जारी। आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर के पुजारी की हुई मौत। पहले भी बीते दो दिनों में आकाशीय बिजली गिरने से चार लोगों की हुई थी मौत। बैतूल जिले में वृद्ध दंपति ने अपने ही बेटे बहू पर घर में लंबे समय से बंधक बनाने का लगाया आरोप। कलेक्टर ने बेटे और बहू को तुरंत ही वृद्ध दंपति को आजाद करने के दिए आदेश। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के बीचों बीच से जा रही रेलवे की सुरंग की करीब 3 किलोमीटर लंबी सुरंग खुदाई का काम हुआ पूरा। कर्मचारियों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। पेंड्रा जिले में प्री मॉनसून की बारिश के साथ लोगों ने शुरू की जुताई बुआई। किसानों ने पूजा पाठ कर खेतों में उतारे नागर व हल। मॉनसून में देरी से किसानों की बड़ी चिंता। डिजिटल युग में लालटेन जीने पर मजबूर है। सूरजपुर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर बसे ग्रामीण 50 से ज्यादा परिवार के घर तक अब तक नहीं पहुंच रही बिजली। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने झाड़ा पल्ला। झाबुआ के 8 लेन एक्सप्रेसवे की पहाड़ियों से भराभर कर गिर रहे हैं पत्थर। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। बारिश में चट्टानों से कटकर सीधे रोड की तरफ आ रहे हैं पत्थर। ग्वालियर में आर्मी मैन हुआ हनी ट्रैप का शिकार। महिला ने अश्लील फोटो खींचकर व्यक्ति को दी बदनाम करने की धमकी। 15 लाख रुपए की भी रखी मांग। व्यक्ति ने परेशान होकर पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत। रायगढ़ में ट्रेंडिंग सट्टा ऐप के आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 ठग और 2 बैंक अफसरों की हुई गिरफ्तारी। धर्मजयगढ़ से पुलिस ने आरोपियों को दबोचा। खंडवा में देर रात 1:30 बजे दुकान में लगी आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की मदद से पाया आग पर काबू। जांजगीर में शिवरी नारायण के शू हाउस में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बलौदा बाजार के गांव कोस मंदी में आकाशीय बिजली गिरने से 2 व्यक्तियों की हुई मौत। खेत में धान बुआई करने गए थे दोनों ग्रामीण। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इंदौर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। कुख्यात बदमाश पप्पू खटीक को पकड़ा। अवैध पिस्टल के साथ भवरकुआ क्षेत्र में किया गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। मुरैना में खुले पड़े कुएं और नाले हादसों को दे रहे दावत। एक महिला के खुले कुएं में गिरने का मामला आया सामने। महिला गंभीर रूप से हुई घायल। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में भ्रष्टाचार की खुली पोल। 3 मीटर तक धंसी सड़क। अधिकारियों की मिली भगत ने भ्रष्टाचार को दिया अंजाम। ग्वालियर में एमपीएल के फाइनल मुकाबले में उमड़ी लोगों की भीड़। बेकाबू भीड़ ने जमकर मचाया उत्पात। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लिया लाठीचार्ज। गुजरात में पुलिस कस्टडी से भागे मंदसौर में हत्या का आरोपी का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में बदमाश का कहना, बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले से उसका कोई लेना देना नहीं, उसे गलत फंसाया गया। पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों की हिंदुवादी संगठन के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक। गौवंश और अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा। अधिकारियों ने सभी समस्याओं के निवारण का दिया आश्वासन। डिप्टी सीएम विजय शर्मा पहुंचे बेमेतरा। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से की राजनीतिक मुद्दे पर बात। कार्यक्रम में विधायक दीपेश साहू, जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश जोशी सहित भाजपा पदाधिकारी रहे मौजूद। डिंडोरी में अनोखे अंदाज में पुलिस ने लोगों को किया हेलमेट के लिए प्रति जागरूक। सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस ने राहगीरों को दिया गुलाब। यातायात नियमों का पालन करने की अपील।
ग्वालियर में दीवार गिरने से मासूम की दर्दनाक मौत। बंगले के खुले एरिया में खेल रहा था बच्चा, बंगले को पीडब्ल्यूडी ने किया था खंडर घोषित। थाटीपुर थाना क्षेत्र का ये मामला। दमोह में तीन युवकों की गोली मारकर की हत्या, अज्ञात कारणों के चलते युवकों की हत्या। हत्याकांड के बाद गांव में फैली सनसनी, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा पुलिस बल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जशपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर, हादसे में स्कूटी सवार की हुई मौत, इलाज के दौरान जिला अस्पताल में हुई मौत। सिटी कोतवाली के डोडका चौरा का घटना। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकारी सिस्टम की करतूत, 72 घंटे के भीतर सीएमओ के निलंबन का आदेश वापस। 18 जून को नगरीय प्रशासन विभाग के ऊपर आयुक्त के निर्देश पर मुरैना सीएमओ को किया गया था निलंबित। इंदौर में बड़ी वारदात करने के पहले चंदन नगर थाना क्षेत्र का लिस्टेड कुख्यात बदमाश को पुलिस ने पकड़ा, मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच ने लिस्टेड बदमाश को किया गिरफ्तार। इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। इंग्लैंड ने सुपर 8 में अपने आखिरी मुकाबले में अमेरिका को 9.4 ओवरों में 10 विकेट से दी करारी शिकस्त। महिला वनडे सीरीज में स्मृति मंधाना हुई 90 रन पर आउट, भारत ने दक्षिण अफ्रीका सीरीज 3-0 से जीत की दर्ज। टेबल टेनिस में श्रीजा अकुला का शानदार प्रदर्शन, सिंगल्स और डबल्स के डब्ल्यूटीटी खिताब की अपने नाम।